हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बड्स सब ठीक ठाक होंगे। तो आ गए नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप लोगों को लेके। तो आज देख सकते हो सारा सामान मेरे सामने पड़ा है। तो आज हम बनाएंगे कैल्शियम ब्लॉक अपने बड्स के लिए। तो आप कोई से ही बड्स को दे सकते हैं ये कैल्शियम ब्लॉक। तो इसमें हमें क्या क्या मिलाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ये कैल्शियम है और वो मल्टीविटामिन है बिमरल का। ये मिकालवेट का कैल्शियम सीरप है और ये हमारे पास गिलास हैं, 4-5 गिलास ले लिए हमने। और पीओपी ले ली, सबसे मेन चीज़ पीओपी है। पीओपी एक मिट्टी होती है, कोई चूना वगैरह नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं पुट्टी है क्या है या चूना वगैरह है, इससे हमारे बर्ड्स को नुकसान तो नहीं हो सकता कोई। तो ये मिट्टी होती है, पेरिस की मिट्टी होती है, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता हमारे बर्ड्स को, ये खाली जमाने के काम आती है। और ये इसे हमारे बर्ड्स जब खाते हैं तो अच्छा भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। और कैल्शियम के लिए हम इन्हें सिरप भी डाल देते हैं, देख सकते हो इन्हें 5 ml सिरप डाल दिया इसके अंदर। और ये मैंने 3 किलो पुट्टी ली थी मैंने, ये तो 3 किलो में से 1.5 किलो पुट्टी बना ली है मैंने और 1.5 किलो पुट्टी अभी रख दी है मैंने इसके अंदर। तो 5 कैल्शियम ब्लॉक हमारे इसमें बन के रेडी हो गए हैं। तो देख सकते हो बिमरल का ही मैंने थोड़ा हार्ड लिया है, ये 2.5 ml लिया है, हार्ड होता है बहुत, वो 5 ml लिया है, ये 2.5 ml लिया है। तो आपको ऐसे ही सब मिला के करना है। एक कोई भी स्टिक ले लें या डंडी ले लें, लकड़ी ले लें, मेरे पास चाकू था तो मैंने चाकू ले लिया। और एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक हाथ से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं कैल्शियम ब्लॉक बना रहा हूँ। तो बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कोई कैमरा पकड़ने वाला होता है तो थोड़ी आसानी हो जाती है, और कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं मेरे पास। तो अपने हाथ से मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना पड़ रहा है, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, और टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ मैं, अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, वीडियो को लाइक करना है बस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो हम इसी तरह आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं अच्छे अच्छे। तो देख सकते हो मिलके तैयार हो चुका है पूरा, इसमें अच्छे से मिल गया है कैल्शियम ब्लॉक में, हमारे मल्टीविटामिन और कैल्शियम दोनों अच्छे से मिल गए हैं इसके अंदर। तो अब गिलास में हमें आखिरी एक रह गया काम, गिलास में हमें जमाना है। तो आधा आधा गिलास जमाऊँगा मैं इसमें, ज़्यादा पूरा नहीं भरेंगे हम गिलास को, तो थोड़ा बहुत खाली रहने देंगे। और जब सेट हो गया देख सकते हो बिल्कुल मुलायम हो गया एकदम, इसके अंदर कोई गांठ वगैरह ना रह जाए, तो आपको वो इसका ध्यान रखना, बस अच्छे से मिला मिक्स कर लेना है इसको। और ये लेंटर वाला हमने तार ले लिया है, वो इसके अंदर हम लगा देंगे ताकि ये जमने के बाद इसमें हैंग करने के काम आएगा। ये तार भी एक अहम रोल है इसके अंदर। अगर ऐसे ही आप रख दोगे तो कटोरी में रखा रहेगा तो वो खाएंगे नहीं, जहाँ पे हमारे बर्ड्स बैठते हैं ना हम उस जगह पे इसको हैंग कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ, 5 कैल्शियम ब्लॉक बना लिए मैंने, क्योंकि वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ा मुझे। तो मैंने 5 कैल्शियम ब्लॉक बना लिए हैं और अब इसको धूप में रख देते हैं थोड़ी देर, हम अगले दिन हम इसको लगाएंगे, क्योंकि पूरा दिन इसको दे देते हैं सूखने के लिए। मैं सेट तो 2-3 घंटे में हो जाता है, मगर फिर भी पूरा दिन के लिए मैंने छोड़ दिया है इनको मैंने सूखने के लिए। और अगले दिन की जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि अगले दिन इनका क्या हाल हुआ है और कैसे हो गए हैं, तो ये अगले दिन की वीडियो है। अगले दिन आया हूँ मैं छत पे ऊपर, तो मैंने गिलास में से इनको निकाल लिया है। अब मैं इनको एक एक करके लगा देता हूँ अपनी कॉलोनी में, जहाँ जहाँ पर हमारे बर्ड्स बैठते हैं उस जगह पर हम इसको लगा देंगे, ताकि हमारे बर्ड्स आराम से इंजॉय करें। अभी तो ये काला काला दिख रहा होगा, कुछ दिन बाद जैसे जैसे सूखता रहेगा बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा ये, जैसे अभी तो काला दिख रहा है, मगर उसके बाद बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, वाइट ही सूखने के बाद ही पीओपी जो होती है वाइट हो जाती है। तो मैं एक एक करके जहाँ जहाँ स्टिक हैं इसकी वहाँ वहाँ लगा देता हूँ मैं इनको, ताकि ये जहाँ बैठते हैं बर्ड्स हमारे वहीं पर जाके इनको कुतरते रहें खाते रहें। तो देख सकते हो पहला लगा दिया है, अब एक वहाँ लगाएंगे सामने और एक आध दो जाली के आसपास लगा देंगे। तो 5 कैल्शियम ब्लॉक बनाए हैं मैंने, और आप भी आसानी से अपने घर पे बना सकते हो, ज़्यादा इसमें कोई कठिन काम नहीं है। आपने देख ही रखा वीडियो में कैसे कैसे बनाया मैंने, और तरीका भी आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पानी डालना है कैल्शियम ब्लॉक बनाने के लिए, और उसमें मल्टीविटामिन कैल्शियम डालना, उसको मिला लेना अच्छे से, और एक गिलास ले लेना, कहीं पर भी डिस्पोजल वाले मिल जाते हैं 4-5 रुपये के, ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसमें, मुश्किल से 20-30 रुपये का खर्चा आता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। 30 रुपये मान लो, 30 रुपये में आराम से आपके 10 कैल्शियम ब्लॉक बन के रेडी हो जाएंगे। और बहुत से लोग आर्टिफिशियल मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, बाज़ार से ऑनलाइन मंगाते हैं, तो ऑनलाइन मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप घर पे ही बना सकते हैं। आप खाली मेरा वीडियो देख लेना टाइम निकाल के, तो आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, और जो मुझे नॉलेज है वही मैं आपको दे देता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, या मैं डॉक्टर हूँ या कुछ हूँ, जो भी मुझे नॉलेज है जो मैं पाल रहा हूँ इतने सालों से, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देख सकते हो अब बर्ड्स भी दिखाए थे हम आपको, और बर्ड्स के साथ साथ हमने कैल्शियम ब्लॉक भी लटका दिए हैं। अब ये अपना एंजॉय करते रहेंगे आपस में, और हम लोग चलते हैं हम नीचे। और आपको भी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें आप लोग।